नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपनी पूरी जोर आजमाइश पर है। जुबानी जंग जो है वो भी तमाम राजनीतिक दलों के बीच भरपूर देखी जा सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में है। जनता भी अब पूरी तरह से जागरूक समझ चुकी है क्योंकि चार चरणों का मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। रविवार 27 फरवरी को पांचवें चरण का मतदान होना है जो कि 12 जिलों की 61 सीटों पर होना है। ऐसे में गोंडा में भी मतदान होगा। गोंडा की तरबगंज विधानसभा सीट का आज हम हाल जानेंगे, क्या कुछ वहां पर माहौल है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आम जनता क्या चाहती है, प्रत्याशी किस तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तस्वीरों के जरिए आप समझिए तरबगंज में कितना विकास हुआ है, वहां की आम जनता क्या इन सुविधाओं से खुश है। तो विधानसभा क्षेत्र 29 तरबगंज गोंडा आप देख सकते हैं और यहां पर माहौल कैसा है। चलिए आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये महत्वपूर्ण विधानसभा सीट कैसे है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। उससे पहले तस्वीरें आप देखिए, रोड बिल्कुल एकदम चकाचक नजर आ रहे हैं। इस बार तरबगंज विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता तय कर चुकी है। जनता ने क्या तय किया है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जनता किस ओर झुक रही है, किस ओर जनता का झुकाव है ये जरूर आपको बता सकते हैं। तो विस्तृत कवरेज जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उससे पहले एक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार और अन्य खबरों के साथ साथ ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर यहाँ पर विजेता उपविजेता वोट शेयर और क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे। तो मेरे सहयोगी अनुराग वहां से मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं। और सबसे पहले अनुराग, बहुत सारी जनता आपके पीछे खड़ी है, पहले ये बताइए कि तरबगंज जो विधानसभा सीट है इतनी महत्वपूर्ण कैसे, क्यों, क्या लग रहा है इस बार? जी हम दर्शकों को बता दें कि तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में इस समय न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम खड़ी है और यहाँ पर ये इसकी बात करें तो यहाँ पर इससे पूर्व में भाजपा का दबदबा रहा। भाजपा के जो प्रेमनारायण पांडे हैं विधायक हैं और इस समय वो भाजपा से ही प्रत्याशी है और चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी से राम भजन चौबे हैं, वो ब्राह्मण है, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। और इस तरीके से यहाँ पर तरबगंज से वहां पर लड़की वो लड़ सकते हो नारे के साथ उनको मिला हुआ टिकट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है विकास को लेकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें हुई और यहाँ इस क्षेत्र का विकास होगा और ये क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त इलाके भी यहाँ पर, यहाँ का जो मुख्य आय का स्रोत है वो गन्ना है, खेती किसानी है। यहाँ पर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है और महज फसल गन्ना जिससे लोगों को आय का स्रोत होता है, गेहूं है जो खेती है, किसान है उनको मेन यहाँ पर जो किसानी है उसी से इनका आय का स्रोत है। कहीं ना कहीं जो रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हम बिल्कुल अनुराग पहले इसे समझाइए, गोंडा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, अगर हम बात 2017 की करें तो यहाँ पर कुल 49% वोट पड़ा था और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से प्रेम नारायण पांडे ने समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को कई हजार वोटों से हार का मुंह दिखाया था। इस बार क्या लग रहा है, इस बार हवा क्या उसी तरफ है या विपरीत दिशा में चल रही है? जी हम बता दें क्योंकि जो 2017 में है वो प्रेम नारायण पांडे ने पूर्व मंत्री जो विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को है उनको हजारों वोट से हराया था। तो कहीं ना कहीं उस समय भाजपा की लहर थी, उसका उनको फायदा मिला। लेकिन इस बार चुनाव की अगर हम बात करें, समीकरण की बात करें, तो यहाँ पर सीधे भाजपा और सपा की आमने सामने सीधी लड़ाई देखी जा सकती है। और जैसे भाजपा का दावा है कि हम बहुत विकास किया, हमने सड़क बनवाए और क्षेत्र में विकास कराया, नगर पंचायत का दर्जा दिलाया, तो बड़े बड़े दावे हैं लेकिन इसकी हकीकत कितनी है, लोगों को कितना फायदा मिला, अभी हम आम जनता से सीधे रूबरू कराएंगे किस तरीके से आम जनता क्या कहती है कि उनका क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितना नहीं। हुँ.
अनुराग, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे। तो ये गोंडा की तरबगंज सीट जहां पर ये केसरगंज के अंतर्गत आती है, और यहां से अगर हम सांसद की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कई बार उन्होंने ऐसे बड़े बयान भी दिए हैं जिसके बाद जो हेडलाइंस है वो उनकी बनी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सांसद वहां पर बीजेपी के हैं, विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो ऐसे में इस बार क्या बदलाव हो रहा है, जनता ने क्या सोचा है, क्या समझा है, जनता क्या कह रही है इस बार, ये जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। उससे पहले कुछ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किसान, जैसे कि मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, किसान जो है उनके मुद्दे यहाँ बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हम परेशान हैं, कई बार होता है कि बिजली की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, तो ऐसे में खेती करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इसे समझें तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पर बीजेपी ने सपा को औंधे मुँह गिरा दिया था, लेकिन इस बार सपा जिस दमखम के साथ, जिस फॉर्मेट पर आगे चल रही है, तो इस बार कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। पिछली बार तो 38,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार ये मार्जिन कितना लंबा हो सकता है या मार्जिन खत्म हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुराग एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग, आपके पीछे बहुत भारी संख्या में जो आम जनता है वो देखी जा सकती है, उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है उन्हें इस बार। जी, मैं यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से इस क्षेत्र में विकास हो पाया और कितना विकास हुआ है। आम लोगों से ही जानते हैं कि उन्हीं की जुबानी की किस तरीके से विकास हुआ, कितना विकास हो पाया। बताइए क्या नाम है आपकी? हमारा नाम है सुरेश नारायण दुबे। क्या स्थिति है क्षेत्र में, कितनी समस्या थी आपके क्षेत्र में? साहब, अरे सड़क बनी, रोड सब जो है सब जगह जगह पर बना, सबको गल्ला मिलता है और विकास हो रहा है। हमको प्रेम नारायण पांडे को चाहिए। दुबे साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विकास हुआ है, क्या नाम है भी आपका? रामू मौर्या। ये बताइए क्या क्या दुबे साहब तक मेरी आवाज पहुंच सकती है? हमारे ग्राम सभा में समस्या है सांड की, सबसे ज्यादा समस्याएं हैं सांड की। हाँ, बस ये समस्याएं खत्म कर दे। अनुराग, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनुराग, क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार दुबे है। मैं बेतबिहीन इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूं। इस सरकार से और तो सब ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, जैसे इन्होंने बेतबिहीन शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कहा है, और कोरोना काल में सभी लोगों को इन्होंने कुछ ना कुछ दिया है इस सरकार ने, लेकिन अनुराग इनसे पूछिए कि अपने विधायक जी से कितने खुश हैं। ऐसी स्थिति में बेतबिहीन शिक्षक जो है वो सपा सरकार योगी जी से तो पसंद करता है, लेकिन योगी बाकी से जितने भी वो हैं उनसे पसंद नहीं करता। क्षेत्र में जो आपकी समस्या है, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवर की है, छुट्टा जानवर की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा बिजली सही हुई है, सड़क सही हुए हैं, सड़क पे भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी सड़कें बाकी हैं। हमारे गांव में अभी आज के लगभग 3-4 महीने पहले बारिश हुई थी, बारिश में कमर तक पानी भरा हुआ था, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। अनुराग, आप भी आइए जरा। क्या नाम है आपका, बताइए? हमारा नाम नान बाबू मिश्रा है। किस तरीके से समस्या है, क्या समस्या? समस्या सबसे बड़ी हमारे यहाँ सांड की और जो है रास्ते की, सबसे बड़ी मौजूदा संतुष्ट ऐसा है, विधायक से संतुष्ट क्या है और क्या नहीं है, आज तक हमारी उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? अब सरकार तो उत्तर प्रदेश में बनेगी बीजेपी की, लेकिन रही सीट की बात, तो सीट एकाध हो सकता है, इधर उधर हो सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी संसद। और भी लोग हमसे जानेंगे किसकी सरकार बन रही है, बता भी आता है। क्या नाम? यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बन रही है बीजेपी की। क्या लग रहा है यहाँ पे, समस्या क्या है इससे? समस्या ये है कि हमारे सबको बेरोजगारी रखते हैं, पढ़ाई के लिए कोई नौकरी अभी जॉब तक निकाला नहीं है इस सरकार ने। तो क्या चाहते हो आप? सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि पहले जॉब निकाले और इसके बाद जीते फिर भी जॉब निकाले, जो हम सबको बेरोजगार रखते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की जो जनता है वो चाह रही है कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो, रोजगार मिले। एक सवाल महत्वपूर्ण है, यहाँ जो विधायक है प्रेम नारायण पांडे जी,
उनसे जनता कितनी खुश है, यहाँ पर दुबे साहब भी खड़े हुए थे, उनसे पूछिए क्या खुश है वो। ये प्रेमनारायण पांडे जी हैं जो मौजूदा विधायक, उनसे आप खुश हैं या नहीं? मैं भैया खुश हूं। क्या लग रहा है यार, उन्होंने काम क्षेत्र में किया है? काम क्षेत्र में खूब किया। हाँ। अब 5 साल में क्या करते? हाँ। 5 साल सबसे चक्कर फिर जीतेंगे, वो काम करेंगे। और भी आइए, आप भी आइए। अच्छा, इनके हिसाब से 5 साल कम है काम करने के लिए, मौका और मिलना चाहिए। विधायक के पास फोन करो, हमारे यहाँ 4 महीना बाद बारिश हुई, पानी भर गया, विधायक के पास फोन करो तो बता रहे हैं कि हम पानी पी लेंगे। अरे उसको कहीं निकलवाने की कोशिश करें। आप विधायक से हम नहीं खुश हैं, हम चौबे जी को वोट देंगे। क्या लग रहा है कि क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी भाई? यहाँ सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्रा। क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पे भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। जो मौजूदा विधायक है, कितना काम किया है? देखिए, काम ऐसे होता है कि अपने अपने स्तर पे जो सामने है वो काम सारा हुआ है, सड़कें बनी है, सारी पक्की हो गई है। अब किसी के अगवारे पिछवाड़े गड्ढा खुदा है, पानी भरा है, तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी। ये कहो कि तुरंत हो जाए तो तुरंत कभी कोई समस्या समाप्त नहीं होती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता कह रही है, कुछ जनता खुश है कि एकाएक समस्या नहीं खत्म हो सकती है, धीरे धीरे समस्या खत्म होगी। लेकिन जिस तरीके से एक चीज हमने सुनी है, जो आम जनता से आप बात कर रहे हैं उससे एक चीज समझ में आती है कि परेशानी कुछ लोगों को है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोबारा से भाजपा की सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि उन्हें समस्या है, ये परेशानियां, वो भी कह रहे हैं कि सरकार तो बनेगी भाजपा की। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि छुट्टा जानवर जो यूपी की सबसे बड़ी जो इस चुनाव में समस्या है, बड़ी चीज निकल के आई है कि छुट्टा जानवर किसानों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बना हुआ है और इसी को लेकर किसान चिंतित है, परेशान है, तो वो एक समस्या है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, जैसे विधायक है तो क्षेत्र में विधायक बनने के बाद सभी जगहों पर तो नहीं पहुंच सका, तो कुछ लोगों की नाराजगी भी है कि विधायक हमारे घर तक नहीं आया विधायक बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नाराजगी है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात की जाए तो यहाँ पर प्रेमनारायण पांडे ने बात मैंने सुनी है, पीछे आप एक नौजवान से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो बरसात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि पानी काफी जगहों पर भर जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। तो उनका कहना है कि जब वो विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि हम क्या पानी पी लेंगे, तो विधायक जी मैं बता रहा हूँ तरफगंज जो क्षेत्र है, जी 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 मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये क्षेत्र तरफगंज क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो यहाँ पर जो बारिश का सीजन होता है उस समय बाढ़ आती है, और उस बाढ़ का पानी ऐसे, क्योंकि बांध कटने के बाद जब पानी आता है तो कोई भी आदमी पानी को रोक नहीं सकता, तो उसके लिए सरकार ने दावे किए थे कि बांध बनेंगे, बांध तो बनते हैं, लेकिन बाढ़ जो आती है तो सरयू नदी जो बांध को काट देती है, वो पानी जब सीधे गाँव में पहुंचता तो उस पानी को इतना आराम से निकालना संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये है कि जैसे बाढ़ का पानी है तो तुरंत निकलेगा नहीं, धीरे धीरे निकलेगा। या मेरी बात कराइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? बाढ़ को लेकर यहाँ नहीं आती है। हाँ। बाढ़ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। हाँ। जहाँ सरजू नदी के उसके 1-2 किलोमीटर जो क्षेत्र का एरिया है वहाँ पे पानी भर जाता है। हाँ। लेकिन वहाँ पे जो पुलिया बनी है, सारी व्यवस्थाएं की हुई, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे तो हमको थोड़ा 2-4 तो होना ही पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ भाई एकदम सब कुछ एकदम तुरंत हो जाए। जैसे अभी आप यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि भाई छुट्टा पशुओं की समस्या है, चारे की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं इंगित की जाएंगी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंची रही है, तो इस पे कुछ होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता भी कह रही है कि संतुष्टि है, सरकार से संतुष्ट है आम जनता, और कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद कर, यानी कि मौका देना चाहती है। तरफगंज की जो जनता है वो मौका देना चाहती है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आए ताकि उनके क्षेत्र का और विकास हो सके, जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो पूरे हो सके। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या बेहतर है तरफगंज में? सड़कें तो चकाचक नजर आ रही है मुझे। जी बता दें कि जिस तरीके से ये तरफगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी सा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार की जरूरत है। यहाँ पर एससी पीएससी तो है, लेकिन उस पर जो डॉक्टर तैनात होते हैं वो समय से मौजूदगी उपलब्धता नहीं होती, तो आम लोगों को यहाँ से 20 किलो से 25 किलोमीटर की यात्रा करके गोंडा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। और स्थानीय लोगों की माने तो फिर से यहाँ के लोग जो है भाजपा को पसंद कर रहे हैं, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी की जीत होगी या सपा की। लेकिन ओवरऑल की बात करें जो मौजूदा विधायक है उनके काम से कुछ जनता तो खुशी नजर आ रही है। जी प्रेम नारायण पांडे के सामने
किसकी टक्कर ज्यादा है, क्या कांग्रेस प्रत्याशी की टक्कर ज्यादा है या सपा प्रत्याशी की टक्कर ज्यादा है या बसपा यहाँ पर अच्छा दमखम दिखा सकती है, क्या लग रहा है? सीधी सीधी लड़ाई यहाँ पर प्रेम नारायण पांडे से की सपा प्रत्याशी रामभजन चौबे हैं, उनसे सीधी लड़ाई हो रही है और लोग दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो सीधी लड़ाई है वो सपा वर्सेस भाजपा ही है यहाँ पर, और इससे क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण हैं, तो एक थोड़ी सा ये भी है कि जो जातीय समीकरण की बात कह रहे हैं तो कुछ जो ब्राह्मण है वो सपा की तरफ भी मूव कर रहा है और कुछ भाजपा की तरफ है, तो जातीय जो समीकरण है क्षेत्र का उस हिसाब से अभी भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव के दिन जैसे 48 घंटे बचे हुए हैं, 27 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, मतदान को लेकर कितने तैयार है? रविवार का दिन है वैसे ही छुट्टी होती है, कुछ स्टूडेंट्स भी मैं पीछे देख पा रही हूँ बस्ता तान कर खड़े है, क्या लग रहा है कितनी तैयारी है मतदान को लेकर आम जनता की? पिछली बार 49% हुआ था, इस बार क्या तरबगंज की जनता बढ़ चढ़कर वोट देगी? जी बिल्कुल, ये बताइए जैसे चुनाव होना है उसको लेकर कितनी यहाँ पे जागरूकता है, लोग कितना ज्यादा वोट देने के लिए उत्साह है लोगों में? यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साह है दोनों भी पार्टियों के लिए, जो भी उनके समर्थक है पूरा उत्साह है, और 90% वोटिंग का यहाँ पे एक वो किया जा रहा है कि आशा किया जा रहा है कि 90% यहाँ वोटिंग होगी। जैसे यहाँ पे चुनाव होना है वोट पड़ना है तो क्या लग रहा है कि आप लोग कितना उत्साह है आप लोगों में? उत्साह यहाँ बहुत है, यहाँ बाबा योगी की सरकार बनेगी लेकिन हम लोग वोट चौबे को देंगे, यहाँ हम विधायक के विरोधी। अच्छा, सरकार, आप भी चाचा यहाँ पे जानेंगे कितना उत्साह है लोगों में वोट के लेकर, चाचा बताइए। उत्साह तो सब बहुत है, हम लोग वोट देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है और लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। और यहाँ हमें देखने के लिए या सुनने के लिए मिल रही है वो ये है कि हम सरकार तो योगी जी की चाहते हैं लेकिन हमें विधायक जो चाहिए तरबगंज में वो सपा का चाहिए, युवा ये कह रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, युवाओं से पूछिए। ये इधर आ जाइए, आपका क्या नाम है? जगन नारायण। ये बताइए यहाँ पे किसको क्या लग रहा है, किसकी आप युवा हैं और यहाँ पर किसको किस पार्टी की यहाँ जो जीत होगी? यहाँ से बीजेपी। बीजेपी कितना विकास किया सरकार? विकास तो ज्यादा विकास। आप युवा है और क्या लग रहा है यहाँ पर सरकार से कितना संतुष्ट है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देव मिश्रा है, हमारी कोई पार्टी नहीं होती, हम स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये, और जो हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे हम उन्हीं के साथ देंगे हमेशा। तो आज तक अभी तक तो जो भर्ती आ रही है उसे स्टे लग जा रहा है, कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही हम देख रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने जा रही है? इस बार सरकार का हम कुछ नहीं कहते, सरकार तो भाई बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो अब यही कहेंगे हम सरकार से कि वो ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती कराए। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार मिश्रा। ये बताइए यहाँ पर किसकी सरकार आने जा रही है? देखिए सरकार की बात करते हैं तो हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, लेकिन उनके जो नीचे के तबके हैं कामकाज में उनसे नहीं संतुष्ट हूँ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की आम पब्लिक है वो बीजेपी से संतुष्ट दिख रही है, लेकिन उनके जो नीचे ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनसे असंतुष्ट दिख रही है। वही युवाओं की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सरकार काम ठीक कर रही है ओवरऑल। अनुराग, जितने भी लोगों से आपने बातचीत की है ये कहा जा सकता है कि ये जो तरबगंज है ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि तरबगंज जो है ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर ब्राह्मण का एक अच्छा वोट बैंक है जिसको लेकर लोगों में मतलब ब्राह्मण है यहाँ पर, इसीलिए दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण ही बनाए गए हैं, सपा से भी ब्राह्मण है रामभजन चौबे और भाजपा से प्रेमनाथ पांडे, तो कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण को देखते हुए ही दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण चुने गए हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से युवाओं से बात की गई वो कह रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये जो परीक्षा कराती है पेपर कराती है उसके पर्चे लीक होते हैं, इससे बच्चों को काफी का सामना करना पड़ा, तो उन लोगों का कहना है कि सरकार काम तो ठीक कर रही है लेकिन अगर थोड़ी सा रोजगार की तरफ काम करे और लोगों को युवाओं को रोजगार मिल सके तो बेहतर होगा इस, और वो लोग भाजपा की तरफ ही वोट देने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर तरबगंज विधानसभा की हम बात करें अनुराग, तो ये सीट जो है वो केसरगंज के अंदर आती है और यहाँ से जो सांसद है वो ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनका जो वर्चस्व है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है, मुखर होकर कैमरे के सामने वो बोलते हैं, उसका असर कितना पड़ सकता है?
जी बिल्कुल, हम बता दें कि यहाँ के जो कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में ये तरफगंज विधानसभा क्षेत्र आती है और यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं वो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका इस क्षेत्र में खासा प्रभाव देखा जा सकता है और वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाजपा जीतेगी। वो इवन हम उनकी बात करें तो वो तो दावा कर रहे हैं कि आसपास के 52 सीटों पे उनका असर होगा और वो चुनाव प्रचार में वो अपना एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करके हवाई जहाज के द्वारा वो हेलीकॉप्टर से जगह जगह चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके अलावा इन अनुराग इन चार चरणों में सपा ही कह रही है कि चार चरणों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, बस सपा का सूपड़ा साफ हुआ है, आम जनता क्या कर रही है? आम जनता को रुक जाना भी जरूरी है। हम यहाँ पर आम लोगों की बात करें तो कुछ लोग बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे खुश नजर आ रहे हैं, वो फिर से कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी को ही वो वोट करेंगे और कुछ लोगों में नाराजगी है वो सपा की बात करें। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा चुनाव में कि किस पार्टी की जीत होगी और किसकी हार। जी बिल्कुल, और इसके अलावा जो उत्सुकता है, जो माहौल है, वो अभी से ही ग्रामीणों में या विधानसभा के जो जनता है वहां पर बना हुआ है, वो मैं साफ तौर पर सुन भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आम जनता खुश है योगी सरकार से, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक जो है उनसे खुश नहीं है, उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है। क्या लग रहा है, फिर वोट तो वो बीजेपी को देंगे लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर सपा आए? अनुराग, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज बताइए। बिल्कुल अनुराग, देखिए कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, स्टूडेंट से खासकर बात कीजिए क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि नौकरियां निकाले। सपा 11 लाख नौकरी का दावा कर रही है, इस पर क्या रुझान है आम जनता का, इन स्टूडेंट्स का क्या रुझान है? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से सपा दावा कर रही है कि वो 11 लाख नौकरियां देंगे, क्या लग रहा है आपको, कितना वो असर डालेगा इसको हमें? देखिए असर डालेगा ये कि जैसे सब दावा तो सब लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में हम देख रहे हैं कि वैकेंसियां दी तो जा रही है लेकिन किसी का पेपर नहीं हो पा रहा है, किसी का पेपर हो रहा है तो लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर अबकी बार अगर भाजपा सरकार बनती भी है तो मैं यही चाहूंगा कि रोजगार के क्षेत्र में काफी हद तक काम करे। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आप युवा हैं और क्या लग रहा है यहाँ पर, किसको रोजगार कितनी बड़ी समस्या होगी चुनाव में? रोजगार तो कुछ नहीं, क्या लग रहा है भाजपा कर पाएगी? भाजपा तो बढ़िया काम कर, तो रोजगार नहीं दे पा रही तो कैसे काम चलेगा? मतलब काम आउट सब ठीक कर रही है लेकिन रोजगार से बहुत, अरे यहाँ सबसे बड़ी तो बहलकू जानवर से आदमी त्राहिमाम कर रहे हैं। तो सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का कहना है कि रोजगार एक बड़ी समस्या होगी और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो यहाँ पे कोई ऐसी प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप में फैक्ट्री वगैरह लगाए जिससे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिल सके, तो एक समस्या रोजगार भी इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। मैंने शुरू में ही इसीलिए प्रोग्राम शुरू होते ही मैंने बताया था, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो आय का स्रोत है वो कृषि है और गन्ना है। जी बिल्कुल, और इसके अलावा अनुराग देखा जाए तो किसानों का रुख क्या कहता है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती करते हैं। समय दिया जाए तो फिर बात बोलो उनको। हाँ किसान हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से क्या समस्या आ रही है, बताइए सर। क्या नाम है आपका? इधर देखिए, ओमकार लाल। ओमकार लाल, हाँ क्या लग रहा है किसान, आप लोग को क्या समस्या है क्षेत्र की? समस्या ये है, अनुराग इनकी आवाज नहीं आ पा रही है। और भी लोग इनसे किसान से बात करेंगे कि कितनी क्षेत्र में किसानी में समस्या आती है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? अरे सब ठीक है, बहला बांदर हमारे यहाँ बहुत, हाँ और तो सब ठीक है।
चलिए अनुराग, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है और बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों से बातचीत की है और हमने जानने की कोशिश की है कि तरबगंज विधानसभा में आम जनता क्या चाह रही है। आम जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है। हालांकि योगी सरकार से आम जनता बेहद खुश नजर है, उनका कहना है कि हम योगी सरकार से खुश हैं लेकिन यहाँ के जो विधायक है उनसे हम खुश नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा रविवार के दिन यहाँ की जनता किन किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचती है और मतदान करती है। कल फिर लौटेंगे अलग विधानसभा के साथ। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।